नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हकीमपेट से टोली चौकी इलाके तक आसिफा के इंसाफ के लिए रैली निकाली गई और हुकूमत से मुतालिबा किया कि आसिफा के गुनहगारों को सख्ती से सजा दी जाए। और क्राइम टुडे न्यूज से बात करते हुए तफसीलात बताई। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम सलमा जाफर है, ऑनेस्ट महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग हकीमपेट से टोली चौकी तक रैली निकाले हैं आसिफा के इंसाफ के लिए। आसिफा के साथ जो हुआ है कोई और बच्ची के साथ नहीं होना है। आज आसिफा को, कल दूसरे अनुष्का को, अर्पिता, एंजल, कोई भी बच्चों को हो सकता है। ताकि औरत बच्चों को सेव करिए, औरत बच्चों की इज्जत करिए, क्योंकि आप भी एक माँ के बच्चे हैं, आप भी एक माँ के भाई है, आप भी एक बीवी का शौहर है। वो ध्यान में रखे, आप दूसरे बच्चों को छेड़ने के लिए सोच कर बात करिए, बच्चों को छेड़ो मत। आप बच्चियाँ क्या है, अल्लाह ताला की एक नियामत है ये बच्चों के लिए। आप लोग ऐसा मत सोचिए, बच्चियाँ बहुत अच्छे हैं। आप लोग बच्चों, बच्चे भी क्या, बच्चों की भी गलती नहीं है, बच्चे भी क्या है, टीनेज है, बच्चों का ध्यान भटक जा रहा है, मगर बच्चे भी बहुत वो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुहीउद्दीन है। हम टोली चौकी से आसिफा की जस्टिस के लिए जो है रैली निकाले हैं। इस रैली का मकसद ये नहीं कि पब्लिक को बताना, पब्लिक को बताने के लिए जो है रैली निकाली नहीं गई है, बल्कि हमको इंसाफ चाहिए। आज आसिफा के साथ हुआ है ये, हम नहीं, आगे हम ये नहीं चाह रहे कि और कोई बच्चियों के साथ होना चाहिए। इनके लिए जो है आसिफा के जो भी विक्टिम्स हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरी सारी दुनिया देखे और पूरे वर्ल्ड में जो है ये लोग को ऐसा मालूम होना चाहिए कि भाई आज आसिफा के साथ, आसिफा के कातिलों के साथ जैसा हुआ, आइंदा फिर ऐसा कभी कोई बच्ची के साथ, भले ही वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, मज़हब का इसमें कोई जो है वैर नहीं है। लिहाजा हमें सिर्फ औरत को प्रोटेस्ट करना है और हुकूमत से भी ये हम गुजारिश कर रहे हैं कि औरत के लिए जो है कोई प्रोटेस्ट लगाइए, प्रोटेस्ट करिए, औरतों को भी, औरतों के लिए भी। और जो जुल्म औरतों पर हो रहा है, जैसा कि हर मज़हब के औरतों पर जुल्म हो रहा है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें सिर्फ ये इंसाफ चाहिए। और हम हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि हर शहर में, हर उसमें जो है आप अपना एक एजेंडा बनाइए। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।